हेलो टीचर्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो तैयार करना है बिना क्वेश्चंस को टाइप किए। ठीक है, देखिए आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप बना सकते हो बिना क्वेश्चंस को टाइप किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको जीके का एक वीडियो तैयार करना है। ठीक है, और देखिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एडिट भी करना है। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हर रोज अपलोड करता हूं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो देखिए आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करवाना चाहते हो उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर रेलवे का करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर रेलवे जीके, या फिर आप एसएससी का करवाना चाहते हैं तो एसएससी का लिखिएगा। ठीक है, और आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देखिए आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जिस भी एग्जाम को आपको तैयारी करवाना है। देखिए बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर्स को भी आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे मोबाइल में यही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन में क्लिक कर देंगे। ओपन में क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपके पास देखिए इतना सारा इस एप्लीकेशन में फैसिलिटी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्विज टेस्ट लगा सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मिल जाएगा यहाँ पर, आरआरबी जेई 2019 का पेपर मिल जाएगा। तो देखिए फिलहाल हम क्विज का बनाने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स का आपको बनाना हो, रीजनिंग का बनाना हो, तो सिंपली आप उसमें क्लिक करेंगे। फिलहाल हम क्विज में क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, क्विज में क्लिक करने के बाद देखिए आप किस सब्जेक्ट का क्विज लगाना चाहते हो, यानी आपको किस सब्जेक्ट में वीडियो बनाना है, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ संविधान पर। ठीक है, क्योंकि मुझे संविधान पे वीडियो बनाना है। और देखिए संविधान में क्लिक करने के बाद आपको सामने इतना सारा लेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, टोटल लिखिए आपके पास 20 लेबल हैं, और हर एक लेबल पे आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, यानी आप गुना कर दीजिए 10 × 20, यानी यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको स्कोर भी बताया जाता है कि आपका स्कोर क्या आया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेबल में क्लिक कर देना है। तो देखिए ये ऐड आ गया, क्यों आया, क्योंकि मेरा जो नेट है वो ऑन है। ठीक है, आप नेट को ऑफ रख के भी यहाँ पर इसे चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है। ठीक है, तो रोटेट कर लेंगे आप। देन देखिए वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, यानी आपको पढ़ाने से पहले क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन रखना है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता क्या है, तो देखिए उसका सिंबल आपको दिख रहा होगा राइट साइड के स्क्रीन के कॉर्नर पे, देखिए। ठीक है, तो वही होता है स्क्रीन रिकॉर्डर। वैसे आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। तो चलिए फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये बता सकते हैं कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी राइट आंसर हो आप उस पर क्लिक करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने बी में क्लिक किया तो आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, यदि रेड हो जाता तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो रॉन्ग था, यानी आपने जो चूज किया वो रॉन्ग रहता। ठीक है, आई होप सभी को पता होगा ये चीज़। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, और देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हैं, और यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए सिंपली आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, नीचे नीचे देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप अगले क्वेश्चन की ओर चल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि गलत ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं लाहौर पर क्लिक करता हूँ जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, देखिए रॉन्ग हमने जैसे ही क्लिक किया तो लाहौर हमने चूज किया था वो रेड हो गया, और जो सही था वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। यानी ग्रीन आपको इंडिकेट करता है कि ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाने के लिए आप इसी तरह से जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और देखिए वीडियो के लास्ट में मैं फटाफट सारे क्वेश्चंस को कर लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि वीडियो के लास्ट में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वीडियो क्लास में आपको स्कोर बताया गया था, आई होप आपने देखा होगा। ठीक है, हमने जल्दी जल्दी हटा दिया। देन आपको क्या करना है, लेवल टू की ओर जाना है, और फिर से आपको क्वेश्चंस को यहाँ से लेना है। ठीक है, और सिंपली आपको एक अच्छा सा प्रोफेशनल वीडियो तैयार करना है। वीडियो को तैयार करने के बाद आपको एडिट कैसे करना होता है, चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ।